आज हम पहुंचे हैं दशाश्वमेध घाट पर। बाढ़ का पानी थोड़ा कम हुआ है, तो कुछ जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं, जैसे आजकल पितृपक्ष चल रहा है तो पिंडदान, श्राद्ध, ये सब कार्रवाई घाटों पे चालू हो गई है। पानी थोड़ा नीचे गया है, लेकिन नावें अभी नहीं चल रही। पीछे देखिए, सब नावें बंधी हुई हैं और गंगा आरती भी अभी बंद है फिलहाल, क्योंकि पानी बढ़ा हुआ है। बाढ़ के पिछले दो वीडियो काफ़ी अच्छे व्यू गए और हमें उम्मीद है कि आज का भी वीडियो बाढ़ का, जो दशाश्वमेध घाट से ही है, वो अच्छा व्यू जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर खुद आकर आपको ये वीडियो बना के दे रहे हैं। हमारे चैनल शेखर ट्रैवल प्लस लास्ट को सब्सक्राइब करिए अभी तक नहीं किया तो, और सब्सक्राइब करने पर जो घंटी का बटन है उसे दबाइए फॉर ऑल नोटिफिकेशन, जिससे वीडियो अपलोड होती है आपको सूचना मिल जाए कि नया वीडियो आ गया। उसके बाद सभी वीडियो देखिए, अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए। शेयर करने के लिए मेल, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर, सभी साधनों का प्रयोग करिए और हर वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का टैब है उसे दबाइए और सुपर थैंक्स खरीदिए, क्योंकि सुपर थैंक्स हमारे चैनल को डायरेक्ट सपोर्ट करता है। तो चैनल को डायरेक्ट सपोर्ट खरीदिए, सुपर थैंक्स खरीद कर डायरेक्ट सपोर्ट करिए। और अब बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं बाढ़ का हाल, उसके बाद लौटते समय आपको काशी विश्वनाथ द्वार, जो काशी विश्वनाथ मंदिर जाता है, और दशाश्वमेध का बाज़ार और गोदौलिया चौराहा दिखाते हुए वापस चलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा, छोड़िएगा नहीं। चलिए चलते हैं आगे। अभी बैक कैमरा से आपको दिखा रहे हैं, देखिए महारानी पुटिया मंदिर भी लगभग डूबा ही हुआ है और नावें जो है वहाँ पे इसके सहारे खड़ी हैं। एक बड़ी नाव भी है, बाकी देखिए बहुत सारी हैं। और कुछ लोग जो समय बिताने के लिए नाव पे ही बैठ गए हैं, कुछ नाव वाले हैं, कुछ पब्लिक भी जाके बैठी है, और कुछ डिजास्टर रिस्पांस फोर्स वाले जो ब्लू यूनिफॉर्म में है, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स वाले। और इसी बाढ़ में ये देखिए घाट है, दशाश्वमेध घाट, ये सीढ़ी है, और इस सीढ़ी के पास लोग गंगा स्नान भी कर रहे हैं और श्राद्ध पिंडदान जैसे कार्य भी कर रहे हैं। तो ये पोजीशन है बाढ़ की दशाश्वमेध घाट पर, और इसके बगल में ही है राजेंद्र प्रसाद घाट, तो वहाँ भी चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। जिसे इस पार से जो मेन घाट है वहाँ से आपको बाढ़ पूरी दिख रही है, देखिए दूर तक पानी पानी दिख रहा है, खतरनाक है। इसमें सबको सलाह है कि पानी से दूर रहें, पानी में घुसें ना, और अपनी सुरक्षा अपने आप करें। चलिए अब राजेंद्र प्रसाद घाट से आपको बाढ़ का और विस्तृत हाल दिखाते और बताते हैं। ओवर टू राजेंद्र प्रसाद घाट। दशाश्वमेध घाट से राजेंद्र प्रसाद घाट क्रॉस ओवर करने के लिए हम प्रयोग करेंगे आज ये जो दशाश्वमेध भवन बना है, ये नया जो है कॉम्प्लेक्स बना है, बहुत बड़ा, वाराणसी विकास प्राधिकरण और वाराणसी स्मार्ट सिटी के द्वारा बनवाया गया है। इसमें रेस्टोरेंट भी है, होटल उडुपी टू मुंबई ये। तो इसको क्रॉस करते हुए हम जाएंगे राजेंद्र प्रसाद घाट की तरफ, और इस प्रकार आपको अंदर का भी जो सीन है वो दिखाई दे जाएगा। ये जो दशाश्वमेध भवन है उसके अंदर का भी आपको व्यू मिल जाएगा। अभी दुकानें जो हैं वो खुली नहीं है, इसमें बहुत कम दुकानें, एक आध जैसे बंगाल स्ट्रीट वालों ने खोल दी, ये बंगाल स्ट्रीट है, बंगाल स्ट्रीट खुल गया, और इधर कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह हैं, काफ़ी कॉस्मेटिक्स, और इधर से बाहर निकला है, ये है बाहर दशाश्वमेध भवन से बाहर राजेंद्र प्रसाद घाट की तरफ। और यहाँ देखिए कितने बढ़िया ये म्यूराल बनाए दीवार में, दीवार में देखिए नंदी और सूरज के साथ घोड़े और ऊपर शिव जी, शंकर जी, ये देखिए पूरा व्यू देखिए, दूर से दिखाते हैं, ये देखिए ये शिव जी बने हैं दीवार में, नीचे सूरज और उसके साथ घोड़े,
उसके दोनों तरफ नंदी, बाएं तरफ एक नंदी और दाहिने तरफ दूसरे नंदी। ये है बहुत ही उत्कृष्ट कारीगरी हुई है। और ये देखिए दशाश्वमेध भवन अभी पीछे हो गया हमारे, इससे निकल के हम आ गए। फूड कोर्ट ऊपर है, उधर देखिए खुला है, ये फूड कोर्ट है, जूम कर दिया हमने। ये दशाश्वमेध भवन है और ये इसका पूरा एक्सपेंस, फुल एक्सपेंस। एस्केलेटर चल रहा है, चालू हो गया है। नीचे भी दुकानें खुली दिख रही है, कृष्णा लस्सी भंडार इस टाइप की दुकानें देखी हैं। अब पेड़ वेड़ भी लग गए हैं तो सुंदर लग रहा है थोड़ा सा। अब हम चलते हैं राजेंद्र प्रसाद घाट की तरफ, आपको दिखाते हैं घाट का हाल। अब हम देखिए राजेंद्र प्रसाद घाट पर पहुंच गए हैं। यहाँ से आपको बाढ़ का दृश्य दिखा रहे हैं। देखिए जल पुलिस कमिश्नरेट की जो चौकी है ये भी बाढ़ में डूबी हुई है, पुलिस चौकी भी बाढ़ में डूब गई है। अभी पानी थोड़ा कम हुआ है, सोचिए जब पूरा पानी रहा होगा तो ऊपर तक, छत तक, जहाँ ये लाउड स्पीकर लगा यहाँ तक डूबी रही होगी। अभी थोड़ा बाहर आ गई। और इधर जो है डिजास्टर रिस्पॉन्स, ये लोगों को बाहर आने के लिए कहने के बाद डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के जवान भी बैठ गए थोड़ा ध्यान से, क्योंकि लोग इधर थोड़ा पीछे हट गए। तो बाढ़ से बच के रहिए, ये बाढ़ खतरनाक हो सकती है। जल पुलिस की चौकी डूब गई है और इसी में चौकी लगा के जो है पिंडा पारने का काम भी हो रहा है। देखिए पितृपक्ष है ना, तो इधर ये पिंडा पारा जा रहा है, पिंडा पारने का काम भी चल रहा है पितरों की आत्मा की शांति के लिए। ये देखिए पितर पारे जा रहे हैं, लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान हमारे पितरों को शांति दीजिए। और यहाँ भी लोग नहा रहे हैं गंगा में, लेकिन आगे नहीं जा रहे क्योंकि आगे बैठे हैं जल पुलिस के जवान उनको रोकने के लिए, तो सुरक्षा चौकस है। वोट बंद है, गंगा आरती एक कह रहे हैं हो रही ऊपर वहाँ 10 दिन बाद। तो अभी क्या हुआ, सामने जो हेलोजन लाइट कई सारी एक लगी क्रम घंटे के पीछे, तो कहते हैं उस प्लेटफॉर्म पे गंगा आरती हो रही है। तो ये है बाढ़ कम हुई है लेकिन अभी भी पानी बना हुआ है। हालांकि मान्यता ये है कि जो पितृपक्ष आ जाता है तो बाढ़ का पानी कम होने लगता है, उसके बाद बाढ़ दोबारा नहीं आती। तो अब उम्मीद करते हैं आगे के दिन जो है सुकून के होंगे, चैन के होंगे और बाढ़ फिर नहीं आएगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं वापस, फिर आपको रास्ते का हाल दिखाते हुए और ये वीडियो अपलोड करके आपसे उम्मीद करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए और सुपर थैंक्स खरीदिएगा। आइए चलते हैं वापस। तो ये जो प्रैक्टिस है दोस्तों, ये गंगा में दूर तक जाने की ना खतरनाक है, और ये लोग अच्छा काम तो नहीं कर रहे हैं, खतरा कभी भी आ सकता है, फिसल सकते हैं, गहरे पानी में जा सकते हैं। और ये जो लोग जवान हैं डिजास्टर, ये देखिए उंगली दिखा के उनको रोक रहा है। ये वापसी यात्रा में देखिए ये गोदौलिया आपको दिखा रहे हैं, चौराहा बड़ा चौराहा गोदौलिया का, दाहिने तरफ मारवाड़ी हिंदू अस्पताल और बाएं तरफ होटल है गेंजेस ग्रैंड, नीचे दुकानें भी हैं। यह मल्टी लेवल टू व्हीलर पार्किंग गोदौलिया चौराहे पे ठीक बनी हुई है, पहले टांगा स्टैंड था यहाँ, और बड़ी ही आधुनिक पार्किंग है। इसमें लिफ्ट लगी है टू व्हीलर्स को ऊपर ले जाने के लिए, कई फ्लोर में 5-6 फ्लोर में बना हुआ है दो पहिया वाहन पार्किंग, इससे पार्किंग की सुविधा का समाधान हुआ है। और ये देखिए होटल लारा इंडिया, ये दशाश्वमेध रोड पर है, काफ़ी होटल हैं यहाँ क्योंकि बहुत सारे पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, तो होटल लारा इंडिया ये है। इसके बगल में ये है बनारस लॉज, रमण कटरा में है ये, देखिए रमण कटरा बीच में लिखा दिख रहा होगा और बनारस लॉज ऊपर लिखा हुआ है। और ये सड़क जा रही है सीधे दशाश्वमेध घाट, यहाँ से हम आपको बाढ़ का हाल दिखाकर अभी आए, आनंद लीजिए इसका।
ये चरखियाँ आपका मन मोह लेंगी, देखिए हवा के झोंकों के साथ घूम रही हैं, बच्चों का खिलौना है ये चरखी। ये फुटपाथ पर बच्चों के खिलौने बिक रहे हैं और ये पौधे भी यहाँ सजे हुए हैं। और आगे देखिए जो शिखर बाएं तरफ दिख रहा है वो है काशी विश्वनाथ द्वार, विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए, वहाँ ठहर कर हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। और उस द्वार के ऊपर बनी है प्रतिमा आदि शंकराचार्य जी की, अभी आपको दिखेगा पहुँचते हैं वहाँ। तो ये नज़ारे आनंद लीजिए आप दशाश्वमेध मार्ग के, ये देखिए पहुंच गए काशी विश्वनाथ द्वार पे। ये जो गोल्डन स्वर्णिम प्रतिमा है ये आदि शंकराचार्य जी की है, यहाँ रुक के आपको दिखाएंगे। तो अब हम हैं वापसी यात्रा पे। वापसी यात्रा में हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, आज का जो हाल चाल हमने बाढ़ का, कम होती हुई बाढ़ का दिखाया और गोदौलिया दशाश्वमेध का दिखाया, बाजार का, तो अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेखर ट्रैवल प्लस व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने पर जो घंटी का बटन आएगा उसे दबाइए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस, जैसे वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए कि नया वीडियो आ गया। उसके बाद सभी वीडियो देखिए, अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए। शेयर करने के लिए व्हाट्सएप स्नैपचैट मैसेंजर मेल सबका प्रयोग करिए। और हमारे हर वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का टैब है उसे दबाइए और सुपर थैंक्स जरूर खरीदिए, क्योंकि सुपर थैंक्स हमारे चैनल को डायरेक्ट सपोर्ट करता है। तो सुपर थैंक्स खरीद कर वीडियो को और हमारे चैनल को डायरेक्ट सपोर्ट करिए। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम वीडियो को क्लोज करते हैं, जल्दी आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, हर हर महादेव।